फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी नाइट्स बचाओ, आप सारी टीम को जो बैक स्टेज भी काम कर रहे हैं, आप सब लोग जो यहाँ पर देखने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ पर बार बार बुलाते हैं या मैं खुद घुस चला आता हूँ जब मुझे प्रमोशन करनी होती। बट मैं पहले भी बात ये शायद बोल चुका हूँ, मैं फिर दोहराऊंगा कि जब ये फॉर्मेट शुरू हुआ था इंडिया के अंदर, तो आप सब लोगों को मैंने अलग अलग वक्फों पर, टाइम पर, शोज में, प्रोग्राम्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ काम करते हुए देखा था। एंड मैं सच बता रहा हूँ, उसका लेट नाइट शो आया करता था रिपीट, मैं उसको 2 या 3 बार देखता था। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी की शुरुआत आप सब लोगों से हुई है, और जिसको कॉमेडी नहीं आती मुझे ऐसा लगता है उसे एक्टिंग नहीं आती। क्या बात है। एंड जेन्युइनली तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे आप बोल रहे हैं यहाँ पे आके कॉमेडी करूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता हूँ, मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, लेकिन जब यहाँ खड़ा होकर मुझे कॉमेडी करने के लिए भारती ने बोला है, कृष्णा ने बोला है, तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरा सारा घमंड जो है एकदम चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। मैं अभी बैक स्टेज था और मैं बाथरूम जा रहा था, तो वहाँ पे सुदेश साहब खड़े हुए थे नैपकिन पकड़ के, क्योंकि हाथ धोने के बाद वही पहुँचवाते हैं पीछे बैक स्टेज पे। तो मैं जैसे ही उनको देखा तो बाहर निकला, तो बड़ा स्वीटली उन्होंने मुझे कहा कि शाहरुख भाई मैं आपसे 1 साल छोटा हूँ। मैंने उनको बताया कि नहीं नहीं, आप 1 साल छोटे नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एक्चुअली प्रमोशन है इसलिए आपसे मिल भी लिया, आप इतने छोटे हैं, वैसे मेरे बॉडीगार्ड आपको लात भी ना मारे हुड़ हुड़ करके भगा दे। थैंक यू सुदेश भाई, आपका छोटापन सर आंखों पर। और कृष्णा, कृष्णा अच्छा है, कृष्णा अपनी औकात में रहता है मेरे साथ, मतलब पास से आके हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं, दूर से सलाम वलाम करता रहता है ऐसे से। इसको एक खड़ा हो गया, यही इसका सलाम ऐसा ही होता है। मेरी और इसकी स्टोरी बहुत सेम है कृष्णा। मैं भी एक छोटे से घर से शुरू हुआ, फिर मैंने टेलीविजन किया, फिर मैंने फिल्में की, फिर मैं सुपरस्टार बन गया। कृष्णा भी यही किया है उसने, उसने पहले फिल्में शुरू की, फिर टीवी किया, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब घर पे बैठ जाएगा। ऐसे ही करता रहा। नो रियली आई नहीं, बेस्ट ऑफ लक नहीं कह रहा हूँ, ठेंगा दिखा रहा हूँ, जरा कुछ नहीं होने वाला। और शकील भाई, मुझे मालूम है, मैं देख रहा था आप हाँफ रहे थे, कांप रहे थे, कुछ 15-20 मिनट रह जाते हैं हर शो के अंदर, आपका पता नहीं कब निकल पड़ो। तो नहीं, सचमुच मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ ये, आप थक जाते हो इस उम्र में, कॉमेडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे मालूम, हालांकि मेरी उम्र नहीं है।